गुड मॉर्निंग. स्टैंडर्ड 8th, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क. एज ए सप्लीमेंट्री बुक्स ओनली विच इज द स्टोरी इज गिवन और प्रिंटेड इन दिस बुक हैव ए मैसेज. एवरी लेसन हैव ए बिग मैसेज टू गेन. कि इन जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें कहानियाँ हैं और कहानियों में संदेश होता है. आपने उस संदेश को लेना है, उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करना है. केवल लेसन पढ़ना ही नहीं होता, उस पर चिंतन करना होता है. चिल्ड्रन एट वर्क, हम भारत की बात करें, आप जैसे बच्चे, अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, सौभाग्यशाली हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे परिवार में रहते हैं. लेकिन इस देश में लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका रहने का स्थान अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, स्कूल तो उन्होंने जीवन में देखा ही नहीं कि स्कूल क्या होता है. वो करोड़ों बच्चे भी इस देश में रहते हैं. तो आप कल्पना कीजिए कि उन बच्चों के साथ क्या क्या बीतती है, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं. आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, सतयुग में हैं, आपको सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं. चिल्ड्रन एट वर्क कहता है कि बच्चे का काम करना, और बच्चे काम क्यों करते हैं, यानी कि छोटे बच्चे यदि परिवार के लालन और पालन के लिए काम करें. अब आप लोग तो क्या करते हैं कि घर में छोटा मोटा काम मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने कह दिया, वो वाला करते हैं. और आप कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र का बच्चा जब घर की गाड़ी को चलाए, कमा के लाए, उससे घर में खाना बने, तो कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात होगी. क्या कहता है, देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क. बहुत से कारण हैं जिनमें बच्चों को कार्य करना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है. सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिविंग, कुछ तो बच्चे परिवार को आजीविका के लिए सहायता करते हैं. अदर्स हू रन अवे फ्रॉम द अनहैप्पी होम्स. और इस देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिस परिवार में जन्म लिया है और आपकी उम्र के 12 और 13 साल की उम्र में उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, यानी कि घर से वो भाग जाते हैं, घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, अपने आप को सहायता करने के लिए, अपने आप के जीवन यापन के लिए. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. और वो भी 12-13 साल के बच्चे अपनी हम उम्र के बच्चों की तरह, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, या जिसको हम स्कूल कहते हैं, वो ना तो जा सकते हैं, ना खेल सकते हैं. वो इस पूरी कहानी में बताया, वो मैंने अभी बताया कि लाखों नहीं करोड़ों हैं. वैलू, यानी कि वैलू नाम का एक 11 ईयर ओल्ड बॉय रनज अवे फ्रॉम होम. 11 और 12 साल का लड़का वैलू है, वो घर से भाग जाता है. भागता क्यों है, क्योंकि घर में हो सकता है कि उसकी मदर है नहीं, उसके फादर हैं, उसके फादर डेड ड्रंक्ड हैं, शराबी हैं, रोज़ाना उसे पीटते हैं, स्कूल में कभी भेजते नहीं हैं, उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं करते. तो उसके लिए घर और बाहर घूमना एक बराबर है. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन इन चेन्नई, आप तमिलनाडु की आप राजधानी. तमिलनाडु एक नीचे आप नक्शे में देखेंगे स्टेट है. तो एक रेलगाड़ी को पकड़ता है और चेन्नई पहुँच जाता है. टायर्ड एंड हंगरी, भूखा है, प्यासा है. ही डज नॉट नो वेयर टू गो, उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है. व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, और वहाँ पर भी एक अजनबी उसका स्वागत करता है. स्वागत कौन करेगा, इस प्रकार का बच्चा ही दूसरा करेगा जो घर से भागा हुआ है या गरीब और असहाय बस्ती में रहता हो. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड एट चेन्नई सेंट्रल, कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी होती, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म होता है रेल जहाँ रेलवे रुकती है, जैसे बस स्टैंड पे बसें आके रुकती है तो बस स्टैंड कहते हैं, रेलवे रुकती है, रेलवे प्लेटफार्म होता है. हिज लेग्स फेल्ट बॉबी, उसकी टांगे जवाब देगी, एज इफ ही वाज स्टिल एंड मूविंग ट्रेन, अभी गाड़ी चलने वाली थी. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भूखा प्यासा, घर से जेब में पैसे नहीं है, एक 11 और 12 साल का अनजान जगह पर होगा, उस बच्चे के साथ क्या होगा. आप घर में यदि 10 मिनट खाना लेट पहुँचे तो भी घर को आसमान में उठा लेते हैं, मम्मी आज खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. वो आउट ऑफ द वे ए पोर्टर
वेंट बाई विद लोडेड ट्रॉली वैल्यू जंप्ड अस्काई, जो कुली होता है ट्राली लेकर गुजरा तो रेलवे स्टेशन पर कुली इस प्रकार के होते ही सोट ऑन बेंच प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मार्ट बंडल डाउन इन आर इज 11 ईयर 11 साल की उम्र सिर्फ ही हैड नेवर सीन टू मैनी इतने लोग नहीं देखे थे। कहते कि गाँव में एक मेला लगा तो उसमें तो थोड़े बहुत लोग देखे थे। पीपल वॉकड बाई बंपिंग इन टू दर्जनों लाखों संख्या में लोग जा रहे थे। वॉइस अनाउंस समथिंग टू लाउड स्पीकर में आवाज़ आ रही थी। नियर हिम ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेट ऑन दी लगेज सामान के साथ लोग बैठे थे, कुछ टीवी देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल, वो शोर शराबा भयानक था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन द नीज, घुटनों में झुका लिया। फीलिंग माइजरेबल, कष्ट हो रहा था, एग्जॉस्टेड थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम द विलेज टू डेज, वो दो दिन पहले घर से भागा था, अभी तक उसे भोजन नहीं मिला था, आप अंदाज़ा लगाइए। फॉर टू डेज ही हैड ईटन नथिंग, कुछ नहीं खाया, बट सम पेंट्स एंड ए पीस ऑफ जेली, यानी कि थोड़ा बहुत मूंगफली गुड़ के दाने जो मिले। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गॉट इन टू द ट्रेन चेन्नई। वैल्यू हैड नो मनी फॉर द टिकट, टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। वो तो शुक्र है कि टिकट जो निरीक्षक होता है जिसको चेकर कहते हैं वो नहीं आया था, वो चेन्नई पहुँच सका। तो इस लेसन को आगे जब हम पढ़ेंगे तो यानी कि इस प्रकार वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ आती है, वेल नो नीड टू स्टेयर स्टूपिड, व्हाट इज योर नेम, किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, मूर्ख क्यों बन रहे हो। वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। ओ मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, उस लड़की के पास कुछ बंडल था। रन अवे फ्रॉम द होम, उसने पूछा कि घर से भाग के आए हो, तो वैल्यू ने आंसर नहीं दिया, अंडरस्टूड था कि उसको पता था ये घर से भाग के आया है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद ड्रीम्स, यानी कि भूख से पेट उसका सिकुड़ा जा रहा था। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, यू वॉन्ट नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लोमी मेकिंग प्लेसिज आई कैन फाइंड सम इफ यू, कहता है मैं आपके भोजन का इंतजाम करती हूँ। सी पी गडप हर सेक मिन बोरी होती है, आपने देखा होगा कि आपने अपने शहर में भी या गाँव में भी मिल जाएगा। बहुत से ऐसे 12-13 साल के बच्चे होते हैं कि एक कट्टा जिसको बोरी कहते हैं, जिसमें गेहूँ डालते हैं, वो हाथ में उठाया होता है या कंधे पे डाला होता है, और गांव के अंदर जिस प्रकार प्लास्टिक या जिस तरह रिफ्यूजल चीज़ें होती हैं वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद कबाड़ियों को बेचाते हैं। और इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको आप लोग अपनी भाषा में कूचिया कहते हैं। तो ये शहरों के अंदर तो लगभग झोपड़ियाँ बनी होती है, वहाँ पर वो कभी स्कूल नहीं जाते, गाँव में भी इस प्रकार का आपको मिलेगा। कहता है कि आगे जब पढ़ते हैं, ही काट अप द गर्ल एज सी वाज लिविंग द स्टेशन, छोड़ने वाली थी क्योंकि लड़की के वो पीछे पीछे हो जाता है। कहता है वैल्यूज हर्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, उसका धड़कन बढ़ती ही लुक्ड बैक ऑफ द सेंट्रल स्टेशन पर देखा ट्रैफिक, जहाँ पर ट्रैफिक आ जा रही थी, किसी को कोई मतलब था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रो, दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर चलते रहे। सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वैल्यू लुक्ड अप पिक्चर्स, बेंस कार टायर्स, पेंस, ए वोमेन होल्डिंग ए बॉक्स राइटिंग, यानी बहुत से लोग इस प्रकार के सामान को बेच रहे थे। ट्रक गर्ल टर्न इन टू ए वाइड ब्रिज, एक पुल की ओर मुड़ी, वाकड़ा पान चलती, वैल्यू स्टॉप एंड पीप ओवर द रेलिंग, देखने लगा अंडरहम द रोड रन इन टू द सिटी, जो सड़क शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड सम, तो अंडरस्टूड है शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगे, भवन होंगी, कोठियाँ होंगी। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट काट दैट आर, ये उसने संकेत किया लड़की जो उसके साथ चल रही थी, जया नाम की लड़की है। आगे कहते हैं वो एक घंटा चलने के बाद एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर रुके। राजेश्वरी परसना कल्याण, ये जो आपका तमिल में लिखा हुआ था कि अंग्रेजी उसे आती नहीं थी, तमिल को छोटी मोटी भाषा वो थोड़ा पढ़ देता था। कम ऑन सी सेड, आर वी गोइंग टू इट हेयर, आस्क्ड वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल, यानी कि कहीं पर शादी थी, शादी के बारे एक ढेर लगा हुआ था और उसमें कहता है कि एक दो बकरियां भी थी जो मुंह मार रही थी, तो उस लड़की ने कहा कि इस ढेर में से हम खाना निकाल लेते हैं। एक बार तो वैल्यू ने सोचा कि ये खाना थोड़ा ही हम खाएंगे। वैल्यू वाज शॉक्ड, उसे दुख हुआ। आर वी गोइंग टू इट हेयर, कि इस प्रकार का बेकार का भाषण थोड़ा ही करेंगे। कहता है जी व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, क्या मैं क्या तुम सोच रही हो मैं कुत्ता थोड़ा ही हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड हेयर सम मोर कैच, सी थ्रू हिम द वेडा, वैल्यू लुक्ड एट हिम एंड डिस्टेंस, कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की ने कहा कि भैया ये ही खा लो, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। यू थिंक आई लाइक इट, टोल्ड यू आई विल फाइंड समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ना तो आपके पास पैसे हैं ना ही मेरे पास पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी,
यानी कि इस प्रकार के बच्चे आपने देखा होगा कबाड़ में हाथ मारते हैं, इनको रैग पिकर्स कहते हैं, कबाड़ चुगने वाले, गलियों में घूमते हैं। लोगों ने जो जिस तरह शादी समारोह कई बार आपने देखा होगा गांव में भी बहुत से लोग मांगने आ जाते हैं सब्जी वगैरह वगैरह, या आप उनको बाहर उड़ेलते हो तो बड़े शहरों के अंदर तो अमीर लोग जिनको फेंकते हैं उसमें से वो इस प्रकार के भोजन बच्चा ले लेते हैं। तो वैल्यू और जया दो इस प्रकार के बच्चे हैं, और लाखों करोड़ों इस देश में इस प्रकार के बच्चे हैं जो स्कूल तो जानते ही नहीं कि स्कूल क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर जीवन वो जीते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, माता पिता के साथ रह रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ एक काम है आपका पढ़ना। और इस प्रकार के बच्चे जो एग्ज़ाम्पल आपको दे रहे हैं, नंगे पांव हैं, फटे हाल हैं, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि भोजन भी उन्हें कचरे में से ढूंढ कर खाना पड़ता है, ऐसे बच्चे भी हमारे देश में, तो आप कल्पना कीजिए। आप अपनी आशाओं को पूरा करें, अपने काम को कोई दिक्कत नहीं है कि घर पर बैठे हैं तो उसको आप प्रॉपरली करेंगे, मम्मी और पापा का आप कहना मानेंगे। थैंक यू, आलोक यू।